हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट करियर पर। दोस्तों, ड्यू के 5 कट ऑफ के एडमिशन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और ड्यू ने जो 6th और 7th कट ऑफ है उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव भी निकाला हुआ है। तो स्पेशल ड्राइव के अकॉर्डिंग आपके एडमिशन कब होंगे, उसका शेड्यूल क्या होने वाला है और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो जाने के लिए आज का वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखिएगा और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है ड्यू की वेबसाइट पे, जो कि है www.du.ac.in। यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, अनाउंसमेंट एंड शेड्यूल फॉर स्पेशल ड्राइव फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस मेरिट बेस्ड। आप इस पर क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पर बता रखा है कि 5 कट ऑफ के एडमिशन खत्म हो चुके हैं और आगे अब क्या करना है। तो आगे दोस्तों, अगर आपने वहाँ पे आपकी जो कैटेगरी थी, अगर आपने कैटेगरी गलत कर दिया है, SC, ST, OBC, EWS, PWD, KM, CW या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में अगर आपने यहाँ पर कैटेगरी अगर गलत कर दी है तो आप अपनी कैटेगरी को ठीक कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसे चेंज करने की जो डेट है, आप 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन ही चेंज करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप इसे चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद आप जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जो भी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी आप उस कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हैं उस कैटेगरी के थ्रू। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो पहले कट ऑफ आ चुकी हैं आप उन कट ऑफ पे ये नहीं कह सकते कि मैं 80 से हूँ और अब मुझे वाली सीट मिलनी चाहिए, वहाँ नहीं मिलेगी। अब जो नई कट ऑफ आएंगी आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। जो बीत गया वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं थे और ना ही आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने किसी ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई किया है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर है, तो आप वहाँ पर भी आपको रिजर्व कैटेगरी में ही कंडक्ट रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप गर्ल्स हैं और आप दिल्ली में रहती हैं, तो अगर आपने NC वेब के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है अब तक, तो अब आपको NC वेब में भी कंसिडर किया जाएगा और आप NC वेब के में भी एडमिशन अपना ले सकते हैं। या अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया है और आपने उस वक्त फीस पे नहीं किया था, तो अब आपको एक बार फिर ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। और ड्यू में एक रूल ये भी होता है कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन में नाम आ रहा है और आपने फर्स्ट कट ऑफ में आप वहाँ एडमिशन लेने नहीं गए, आप सेकंड कट ऑफ में गए, तो आपका सेकंड कट ऑफ में आप एडमिशन नहीं होता है, वे आपसे बोलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपका पहले कट ऑफ से लेकर 5वीं कट ऑफ तक में अगर आपका नाम आ रहा था और आपका एडमिशन उस वक्त उस कॉलेज में नहीं हुआ, तो अब आप वहाँ पे एक बार एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका शेड्यूल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, 29 जुलाई और 30 जुलाई को आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। 1 अगस्त को आपकी 6th कट ऑफ आएगी। 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना एडमिशन का अप्रूवल और अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों, अगर आपकी सीटें अगर बच जाती हैं, तो उस केस में 6 अगस्त को आपकी 7वीं कट ऑफ आएगी और उसके लिए एडमिशन आप जो है वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट बातें, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो के पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर।